राजनीति हम बोलते हैं, लेकिन लोग समझते हैं वो राज करने की नीति है। नीतियों का पालन करने के लिए वो कार्यपालिका को दे देती है, नीतियों का संरक्षण करने के लिए न्यायपालिका होती है। जैसे हर मिट्टी को गुमा रहता है कि मैं मूर्ति बनने के लायक, लेकिन ये मूर्तिकार बताता है कि वो लायक है कि नहीं, या उसका कितना अंश लायक है, उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है सभी का ग्रैंड एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज है, चारों तरफ बस चुनाव चुनाव प्रचार प्रचार ही नजर आ रहा है। ऐसे में एक सवाल राजनीति को लेकर उठता है, क्योंकि वर्तमान के दौर पर राजनीति को काफी बदलते देखा है मैंने, और मन में कई सारा ऐसा सवाल था कि राजनीति में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है, या इसने वो पार्टी क्यों बदला, या ऐसा। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा मेरे सवालों का जवाब देने के लिए ये चौहान बेहतर है। जी हाँ, वो एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं और काफ़ी कुछ राजनीति के बारे में जानकारी रखते हैं। अब प्रदेश प्रवक्ता जहाँ वो है ही, मैं अभी पार्टी की बात नहीं करूँगी क्योंकि राजनीति की बात करना है। तो चंद सवालात पार्टी राजनीति को लेकर मैं आपसे करूँगी। चौहान सर, आपका स्वागत है। राजनीति के बारे में जब मुझे ज्यादा जानना रहा तो आपसे ज्यादा अच्छा नाम किसी का नहीं सूझा। मैं जानना चार शब्दों की राजनीति क्या है, मायने इसके। देखिए शाहिन जी, राजनीति हम बोलते हैं, लेकिन लोग समझते हैं वो राज करने की नीति है, लेकिन वो एक्चुअल में राज्य चलाने की नीति होती है। राज्य को कैसे चलाया जाए, कौन सी पॉलिसीज, कौन से सिस्टम अडॉप्ट किए जाए, उसके लिए वो नीति होती है। नीतियाँ जो निर्धारित करती हैं, जो हम लोग फिर संसद में, वो सदन में हम लोग पारित करते हैं, और उसे उसी का नाम विधायिका है। कार्यपालिका एक अलग है और न्यायपालिका एक अलग अलग होती है। तो विधायिका वही होती है कि नीतियों को स्पष्ट करती है, नीतियों को बनाती है, और नीतियों का पालन करने के लिए वो कार्यपालिका को दे देती है, नीतियों का संरक्षण करने के लिए न्यायपालिका होती है, लेकिन बनाने के लिए विधायिका होती है। तो राज्य के लिए नीति बनाना ही राजनीति होती है, लेकिन हम लोग राज करने के लिए नीति समझ लेते हैं कि हम राज करें, लेकिन एक्चुअल में जो मालिक होता है वो जनता होती है, और राज्य के लिए नीति करने वाले सेवक होते हैं। लेकिन राजनीति करने वाले अपने आप को मालिक समझ लेते हैं और जनता को सेवक समझ लेते हैं, लेकिन हम जनता को ही समझना पड़ेगा कि मालिक हम हैं, हमारे लिए राजनेताओं को चुना गया है, क्योंकि हम सब झुंड बना के अपनी काम को नहीं कर सकते हैं, हमारा जनप्रतिनिधि नहीं भेज सकते हैं, इसलिए हमें हमारी आवाज के लिए हम जनप्रतिनिधि को भेज रहे हैं। ये हमारा मतलब एक ध्येय होना चाहिए, और इसीलिए हम सभी को मिलके अपने राजनेता को चुनना चाहिए। बहुत अच्छे मायने बताए आपने, राजनीति का सही अर्थ समझो अब दिमाग में क्लिक किया। एक सवाल मन में उठता है कि युवाओं को क्या राजनीति में जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि हम जब स्कूल पढ़े, जब राजनीतिज्ञों को काफ़ी उम्र दराज देखते थे, युवाओं का वहीं ज़्यादा जिक्र नहीं होता था। फला राजनीति का बेटा अगर मान लो 40 वर्ष का है तो पढ़ रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, जो उनके सत्ताधारी होते थे वो उम्र दराज होते थे। अभी जो युवाओं को क्या राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, राजनीति में होना चाहिए, क्या करियर बनाना चाहिए। देखिए, पहले पहले हम लोग ये सोचते थे कि पहले हम लोग ये स्कूल में और पहले पहले बहुत जगह पहले ये पढ़ाया भी जाता था कि सुभाष चंद्र बोस बनो, गांधी जैसे बनो, या दूसरे और लीडर्स जो हैं उनके जैसे बनिए आप। तो आजकल ये राजनेता, यहाँ पर कुछ राजनेता आके उस छवि को नीचे कर दिया है। वो छवि बन गई है कि राजनेता है, राजनीतिज्ञ है, मतलब वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, या झूठ बोलने वाला फरेब है, या इस टाइप की छवि बना दी गई है। लेकिन युवा जो होते हैं, और वो इस छवि को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं और क्रांति लाते हैं, कि मतलब युवा क्रांति ला सकते हैं और किसी भी छवि को वो ठीक कर सकते हैं, किसी भी छवि को बिगाड़ भी सकते हैं। तो युवाओं को बिल्कुल आना चाहिए, और युवा जब तक नहीं आएंगे, जब तक ये युवा सोचेगा कि मेरे को सिर्फ अपने लिए सोचना है, तब तक वो अगर राजनीति में आता है तो वो राजनीति में आके उसको नेगेटिव की ओर ही लेके जाएगा, क्योंकि राजनीति जो है वो सेवा का माध्यम है। जब जब वो सोचेगा कि मेरे को
देश के लिए करना है, तब तब वो अपने उसको राजनीति को पॉजिटिव की ओर लेके जाएगा। जैसे कि एक एक सच्ची घटना है, एक सच्ची घटना है कि एक हिमाचल प्रदेश की औरत, उसको बहुत ज्यादा शौक था कि मैं देश के लिए कुछ करूं, देश के लिए कुछ करूं। उसने उसकी बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है, लेकिन देश का जज्बा ना उसके अंदर रहता है। उसने एक दोरजा नामक व्यक्ति से शादी कर लेती है, उसका नाम खुद का नाम कुंती रहता है, और दोनों लेबर क्लास का काम करते हैं, लेकिन उसके मन में इतनी जज्बा रहती है कि मेरे को देश के लिए कुछ करना है। तो वो बच्चा जो उनका होता है, तो बच्चे को बचपन से ही ऐसा बोलती है कि तेरे को देश के लिए जीना है, देश के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। और जब वो बड़ा होता है, 17-18 साल का होता है, तो उसको नेवी में भेज देती है। दूसरा बच्चा होता है, दूसरे को भी उधर कर लेती है, 10 बच्चे पैदा करती है। और ऐसे ही जो आसपास के जो मतलब जो अनाथ हो जाते हैं बच्चे, या उनके जो आजू बाजू जो ऐसा बच्चे रहते हैं जिनको वो पाल सकती है, तो बोली मेरे को दे दो, मैं पाल देती हूँ, जिनका उनका कोई सहारा नहीं रहता, उसको भी पाल के वो बच्चों को देश की सेवा में लगा देती। कोई नेवी में जा रहा है, कोई बटालियन में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। 17 बच्चे उसने देश की सेवा में लगा दिए। अब सोचिए, ये सच की घटना है शाहीन जी। सैल्यूट है ऐसी औरतों को, और सैल्यूट है ऐसे राजनेताओं को। ये राजनेता है जो देश के लिए सोचते हैं। हमें ऐसा राजनेता बनना है, हमें देश के लिए सोचना है, समाज के लिए सोचना है, क्योंकि ये काम ही समाज का है, क्योंकि ये काम ही देश का है, ये काम ही सेवा का है। हम इसमें कैरियर बनाने की नहीं सोच सकते। आप अगर मंदिर जाते हो तो अपना कैरियर बनाने के लिए नहीं जाते हो, आप मंदिर में सेवा करने के लिए जाते हो। और इसीलिए ये राजनीति जो है वो मंदिर है, ये एक पूजा है, ये एक आराधना है हमारे समाज की, एक मानव जाति की, जिसमें आके इंसान सिर्फ और सिर्फ सेवा करे, न कि कैरियर बनाए, और इसी में अपने कैरियर को देखे। कैरियर मतलब सिर्फ पैसा कमा के अपना जीवन यापन नहीं करना है, कैरियर बना के अपने आप को ऊपर भी करना है। ये कैरियर होता है। कैरियर मतलब हम पैसा कमा के अपने शरीर को ठीक नहीं, अपने मन को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को शुद्ध करें, उसको आगे बढ़ाएं, ये कैरियर होता है। और ये हमारे को राजनीति में आके करना चाहिए। और हर उस डॉक्टर को जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे जो पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे जो ऊर्जावान युवा हैं, उन सभी को आना चाहिए और राजनीति में आके अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति एक अच्छी अपनी अपना योगदान देना चाहिए। बहुत अच्छा बताया आपने राजनीति के मायने के साथ साथ आपने युवाओं की जो स्थिति है राजनीति में बताया। मैं जब राजनीति की बात चल रही है तो मैं आपसे ये बात सवाल करना चाहती हूँ, हालांकि ये सवाल यहाँ मैच नहीं करता है, लेकिन मेरे मन में ये बात है कि राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि एक दूसरे के सिरे पे पैर रखकर चढ़ता है इंसान, ये राजनीति वो है। राजनीति जो है कूटनीति से भरपूर होती है। और एक चीज ये है कि अचानक ही इसमें मान मनोबल का दौर, क्योंकि लिए पार्टी बदलने का भी दौर चलता है। राजनीति अगर हम बात कर रहे हैं तो पार्टियां इससे जुड़ी होती है, जैसे डॉक्टर के बगल में मेडिकल स्टोर, वैसे राजनीति से जुड़ी पार्टियां। तो पार्टियों में अगर ऐसा मान लो किसी के मन के मुताबिक काम नहीं हुआ तो उनका दौर शुरू होता है पलायन करने का। क्या है कारण ऐसा, और एक छोटा सा मेरे मन की शंका दूर करिए। एक किस्सा बताता हूँ आपको, एक किस्सा बताता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक 7-8 दिन 10 दिन बचे रहते हैं चुनाव में, और एक जो नेता रहता है वो अपने कार्यालय में पूरी सामग्री बिल्ला, बैनर, पोस्टर, झंडा वंडा सब लाके रखता है, अगले दिन से सुबेरे से डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। कार्यकर्ताओं को बोल दिया जाता है कि अगले दिन से डिस्ट्रीब्यूट करना है। रात को आग लग जाती है कार्यालय में, आग लग जाती है और पूरा सामग्री उसके अंदर रहती है कार्यालय में। तो उसके बाद वो बोलता है कि अब बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है, उसको तो करो या मरो की स्थिति हो जाती है। तो वो अग्निशामक दल को बुलाता है, फायर ब्रिगेड को बुलाता है, भाई जल्दी आओ आग लग गई है। वो भी निकलते हैं, उन लोग भी आते हैं वो निकलते हैं, उन लोग भी जल्दी जल्दी उन लोग भी आते हैं, ये भी घबराया हुआ रहता है।
बड़ी जल्दी आओ भाई, कहाँ पहुंचे? हमारे बस आ रहे हैं हम। उसके बाद वो पहुंचते हैं, वो जो नेता रहता है वो वहां पर पहुंचता है। उसके बाद फिर से फोन लगाता है, अरे कहाँ पहुंचे अभी आप? बस बोले पहुंच रहे। बोले अब मत आओ। बोले क्यों, सब जल गया क्या? बोले नहीं, मैंने पार्टी बदल दी। बहुत खूब, अच्छा एग्जांपल है ये, जो है वर्तमान की फिजाओं से कहीं रिलेटेड नहीं है ये। तो जो पलायन करते हैं पार्टी से, फिर मान मनोबल होता है, उसका सवाल का ये जवाब था। वर्तमान की स्थिति से इसका कोई लेना देना नहीं है। और राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि जो पार्टीज होती हैं, चुनाव उनका कहीं ना कहीं गलत देखा जाता है। गलत देखा जाता है, जैसे अब आपको मैंने चुन लिया, आपका दोस्त था, उसका भी मन है, वो तो ये पार्टी नहीं हो सकता, जिसको हाई कमान हाला कमान बोलते हैं उनका सिलेक्शन रहता। देखिए अधिकतर क्या होता है शाहिन जी, कि इंडिविजुअल लोगों में महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। वो सोचते हैं कि मैं ही सबसे सर्वे सर्वा हूं, मेरे को ही वोट मिलनी चाहिए, मेरे को ही चुनना चाहिए था। जैसे किसी लड़की के बाल अगर ज्यादा है, लंबे हैं, और ऐश्वर्या राय से ज्यादा खूबसूरत बाल हैं, तो वो बोलेगी कि मेरे को हीरोइन लेगी, ऐश्वर्या राय को क्यों ले रही। लेकिन ऐश्वर्या राय में दूसरी चीजें हैं। पार्टी जो होती है वो बहुत सारे सिनेरियो में वो खोजती है, समझती है, उसके बाद सिलेक्शन करती है। जैसे हर मिट्टी को घुमा रहता है कि मैं मूर्ति बनने के लायक हूं, लेकिन ये मूर्तिकार बताता है कि वो लायक है कि नहीं, या उसका कितना अंश लायक है, उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। तो पार्टी बहुत समझदार होती है, बहुत ही ज्यादा समझदार होती है, उसका निर्णय सर्वोपरि होता है। उसका निर्णय सर्वोपरि होता है। अगर हम उसके विचारधाराओं से नहीं मेलजोल खाते हैं तो वो पार्टी से हम लोग को अलग हो जाना चाहिए, या उस पार्टी में हम लोग को जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन कई कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पार्टियां अपने फायदे के लिए यूज करती हैं और अन्याय करती हैं, एक को ज्यादा देती हैं, एक को कम देती हैं, तो ऐसी पार्टियां देखिएगा डाउन होती हैं। और अगर किसी पार्टी में न्यायपूर्वक सभी वितरण हो रहा है, अगर एक जन को, जैसे मान लीजिए कि 60 साल से ऊपर लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, एक एग्जाम्पल बताया, तो 60 साल के किसी भी उसको टिकट नहीं दी जाएगी। तो इसमें क्या है कि सभी लोग उस पार्टी का सहयोग करते, नहीं 60 साल से ऊपर किसी को नहीं दी गई तो मतलब नहीं दी गई, या हारे हुए प्रत्याशी को किसी को भी नहीं दी गई तो नहीं दी गई। एक जो एक सिस्टम बन जाता है, अगर उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो वो वाली पार्टी ऊपर जाती है। बात भी सही बोला आपने, क्योंकि एक अनार होता है, सौ बीमार भले सौ हो लेकिन एक अनार तो एक ही को मिलेगा। बिल्कुल, दाने हालांकि उसमें हजार होंगे, सौ होंगे, एक एक बढ़ जाएंगे, बाद में एक पद होगा, फिर उसके कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छा राजनीति का विश्लेषण आपने मेरे सामने में किया। और चुनावी को लेकर के जो अभी की दशा दिशा है उसको लेकर के भी मैं आपसे आने वाले दिनों में चर्चा करूंगी। तो जल्द ही आप हमारे स्टूडियो में दोबारा आइएगा जी। बिल्कुल, तब तक के लिए आपको